पूरा प्लान का हो गया पोपट, क्योंकि यहाँ पे 2% टेंट अवेलेबल ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डॉकी रिवर। और आज है मेरा लास्ट डे और यहाँ से हम लोग लीव करेंगे और निकलेंगे सीधे गुवाहाटी के लिए। सबसे पहले हमने गुवाहाटी जाना है और गुवाहाटी जाने के बाद सबसे पहले मुझे लेना है टेंट, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है पर टेंट नहीं है। और जहाँ पर हम रुके हुए थे भाई, सारे कह सकते हैं एक से एक बंदे थे, एक से एक एक्सपर्ट, बहुत चीज़ मुझे नॉलेज दिया, जैसे कि आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या क्या लेकर जा सकते हैं सब कुछ बताया, और कैसे रखने का सजावट सब कुछ एवरीथिंग से उन्होंने नॉलेज बताया। तो चलते हैं और लास्ट टाइम है ये देख लीजिए डॉकी रिवर। ऑन द रोड हम लोग आ चुके हैं और ये हो गया फर्स्ट लाइन, उधर बांग्लादेश। और ये जो पेड़ देख रहे हैं भाई, ये सब कसैली का पेड़ है, ये सब कसैली के पेड़ है। अब देखते हैं कितना देर में लिफ्ट मिलता है। सिंगल हो गए हैं तो थोड़ा जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। सो पहली लिफ्ट हम लोग को मिल चुकी है और भैया एक बार हाई कर दीजिएगा। हाय, इधर ये भैया। मेरा नाम अशोक है और ये मैं भी झारखंड से हूँ। और आपने लिफ्ट मांगी तो हमने कहा चलो यार अपने तरफ के बंदे हैं। तो अभी तक कहाँ कहाँ कौन कौन से तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ये गाड़ी जिसने लिफ्ट दी थी ना, ये चले जाएंगे गुवाहाटी तक, मतलब मंजिल तक पहुंचा देगी जहां मुझे जाना है डिकथलोन को टेंट लेने के लिए। यहां पर ये भैया, हाई कर दीजिए भैया, आपका नाम। और एक और भैया है, मैं उनसे मिलाता हूं जस्ट ए मिनट। मैं यहां पे क्यों रुका आपको दिखाता हूं, सबसे पहले मैं जाता हूं। देखिए यही दिए थे, गुवाहाटी तक लिफ्ट दे दी है और हम लोग डिकथलोन तक चले जाएंगे। यहां पे हम लोग क्यों रुके हैं सबसे पहले बता दीजिए ऑडियंस को। ये नज़ारे, ये नज़ारे भाई क्या दम, वाव है ना, लाजवाब। वैली है, टोटली वैली, बहुत अच्छी वैली है। आगे भी था मगर आगे हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा यहाँ पर रोक के हम लोग थोड़ा वैली का मजा लेते हैं। और शैलेश भाई मिले थे हमें डॉकी में, उन्होंने लिफ्ट मांगी तो हमने कहा चलो यार हम भी आपकी तरह ट्रेवलर घूमते रहते हैं रोडों पे, तो आपको गुवाहाटी तक हम लोग लिफ्ट देंगे। हुआ इनकी गाड़ी पे लिखा हुआ एक्सप्लोरिंग एशियन रोड्स बाय 4x4। भाई ये पूरा ट्रेवलर्स हैं भैया, गाड़ी लेकर निकले हुए हैं, देखिए पूरा इंडिया घूमने के लिए, अदर कंट्री भी। देखिए बहुत सारे टूर एंड ट्रेवलर्स जा रहे हैं अभी, देखिए रुक कर रोड पर ही गाड़ी खड़ा कर बस नज़ारा। पर डॉकी जाने के रास्ते में ही है ये व्यूज पॉइंट, क्या नाम है मुझे पता नहीं, और बहुत लाजवाब है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यूज, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लाजवाब हैं। आज हम लोग की गाड़ी रुकी है ढाबा के लिए, यहाँ पे ढाबा है। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है, अभी गाड़ी से आ रहे थे तो उल्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत, मतलब लग रहा है डाउन जैसा, पर बस आप लोग का ही प्यार और सपोर्ट चाहिए उससे हिम्मत बन जाएगा। और ये पंजाबी ढाबा है तो यहाँ पे अंकल ने कहा थोड़ा खाना खा लीजिए अंकल के तरफ से, तो चलते हैं और खाते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, फिर थोड़ा कम भोजन करूँगा मैं। और इसका कारण मुझसे लगता है मेरे कारण है, क्योंकि मैं गर्म पानी नहीं पी रहा हूँ अभी 2-3 दिन से। मैं वहाँ पे था ना डॉकी रिवर के पास, तो थोड़ा ठंडा पानी पीने में मज़ा आ रहा था इसलिए पी लिया, तो गैस पेट में बन गया, तो गैस की वजह से उल्टी हो गई। तो मैंने ऑर्डर किया था तंदूरी रोटी और दाल फ्राई, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा, थैंक यू भैया अंकल, सॉरी भैया को अंकल को भैया बोल देते, सॉरी इसके लिए।
फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नींबू देख रहा हूँ, इसको बाइट करके खाया जाता है, दिखाते हैं। पूरी खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि जहाँ तक मुझे पहुँचना है ना, वहाँ तक एक बार में पूरी लिफ्ट मिल गई है। और हम लोग डीकैथलॉन, ये हो गई गुवाहाटी की सबसे बड़ी आउटलेट है डीकैथलॉन की, इधर में देख सकते हैं। तो मुझे तो लेना ऑलरेडी टेंट, मैं तो डिसाइड कर कर ही आया हूँ ना, 2% टेंट लेना है ना। किधर है भाई 2% टेंट? ये तो हो गया 1% भाई, 2% किधर है? 2% टेंट आई थिंक ये है, 2% टेंट नहीं, पूरा प्लान का हो गया पोपट, क्योंकि यहाँ पे 2% टेंट अवेलेबल ही नहीं। और 29 तारीख तक ट्रक आएगी लोरी, पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। अब मुझे जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी ही मुझे मिलेगी 2% टेंट, देखते क्या होता है। निकलना पड़ेगा यहाँ से या फिर लिफ्ट लेकर, नहीं तो फिर ऑर्डर करेंगे तो भाई 29 तक 2 दिन भी लगेगा, आज 26 है, 27, 28, 29, 3 दिन लगेगी ना, 29 की आएगी तो टाइम तो लग ही जाएगी 2 दिन। देखते हैं 2 दिन क्या करते हैं। इसीलिए यहाँ पे गुवाहाटी में 2 दिन रुकते हैं, कुछ घूमने की जगह तो घूमेंगे, उसके बाद किसी के घर में स्टे करना पड़ेगा तो कॉस्ट सर्फिंग यूज करते हैं, या फिर देखते हैं। जिनके अंकल उसने भी बोल रहे थे कि 2 दिन रुकिए और यहाँ पर घूमिए। सो गाइस, जैसे कि आपने पता है कि 2% टेंट डीकैथलॉन का तो नहीं मिला, इसकी वजह से मुझे गुवाहाटी में स्टे करना पड़ा। और जिस गाड़ी ने मुझे लिफ्ट दिया था उन्हीं के घर में रुके हुए, ये यहाँ पे अपना मैट बिछा कर, और ये रूम है तो अच्छा से मैं सो जाऊँगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो आज 3 लोगों ने डोनेशन दिया, सबका नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले अभिषेक कुमार और आशुतोष राज, और तीसरा है मणिकांत कुमार। तीनों के लिए दिल से शुक्रिया, जो कि मुझे इंडिया टूर में मदद किए। और जो लोगों को डोनेशन देना है, मेरा UPI ID है itsalesa@ybl, और अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, SBI का है। तो जिन लोगों को देना है, इंडिया टूर में सपोर्ट करना है, तो कर सकते हैं। तो देखते हुए रात का क्या प्लान हो जाता है, खाना पीना तो खाए नहीं, गर्म पानी किए हैं, और गर्म पानी नहीं पी रहे थे तो सुबह से ही ठेकार आ रहा था। मैगी खाए थे तो पूरा उल्टी कर दिए थे गाड़ी पे, एकदम पूरी ख़राब हो गई तबीयत, पूरा बैटरी लग रहा है कि साला शरीर का एनर्जी ही चला गया है। तो बस यही था, और बहुत सारा कमेंट आता है कि भाई मतलब एनर्जी इरीटेट होते हैं, तो आप ही लोग सजेस्ट कीजिए ना। मैं कमेंट बॉक्स तो ऐसा नहीं कि बंद करके रखे हो, आप लोग जिस टाइप का वीडियो खोजिएगा ना उस टाइप का वीडियो दूंगा, बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए भाई कहाँ पर गलती करता है। जिसने एक बंदे ने मुझे बताया कि भैया हिचाइकिंग नहीं दिखाई जा रहा है, कुछ एक्सप्लोर भी कीजिए, तो मैं कर दिया ना, डॉकी रिवर को एक्सप्लोर किया। तो डॉकी में अभी 2-3 दिन और रुकते हैं, अगर मेरे पास टेंट रहता ना तो मैं वहाँ का सबसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट ब्रिजेस जाते, और एक जगह और कैंपिंग का लोकेशन था जो कि जाते, और बांग्लादेश का बॉर्डर भी जाते, पर प्लान में पूरा ये चेंज हो गया। तो मैं मेघालय एक बार और जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा मेघालय, क्योंकि डॉकी के पास बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने लायक। तो चलिए देखते हैं अभी रात का क्या प्लान होता है। The next day. Good morning guys. रात में तो काफ़ी जल्दी सो गया था, तो अंकल के पास ही सो गया था। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। तो यही अंकल के पास सो गए थे, तो बहुत वीडियो लंबा हो गया होगा ना, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो पर थोड़ा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि वीडियो में आपको ज़्यादा तो अच्छा नहीं, उतना खास नहीं लगा होगा, फिर भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।